है हमारे दो कैंडिडेट पिछले वहाँ सेवन दे हैं और ये सब लोग इनका कोई पर्सनल इशू नहीं है कि वो अपने लिए बैठे हैं या हम लोग भी ऐसे कोई पर्सनल इशू को लेकर नहीं बैठे कि सिर्फ ये यूपीएससी वालों का इशू है, ये लास्ट अटेम्प्ट का इशू है, एज गार्ड का इशू है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमारी जो दो डिमांड है वो है एक तो पारदर्शिता और एक जो कोविड में हार्डशिप जो है वो सभी ने फेस की है, चाहे वो 21 ईयर वाला था, 30 ईयर वाला था और चाहे वो कॉन्स्टेबल लेवल के एग्जाम वाला था या वो यूपीएससी लेवल के एग्जाम वाला था। इसलिए अपने दिमाग से ये बात बता दीजिए कि ये वो लोग हैं जिनके अटेंड पूरे हो चुके या एज पूरी हो चुकी है किसी भी एग्जाम में, अगर यूपीएससी का एग्जाम कर ले और अगर 2019 में उसका थर्ड अटेम्प्ट था और 2020 और 21 में अगर वो एसेंशियल सर्विसेज या फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम कर रहा था उसको एग्जाम नहीं दे पाया और 2022 में उसके पास एक अटेम्प्ट होता है, क्या वो तैयारी कर पाएगा इसमें? ऐसे ही जो आर्मी के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो एज होती है 18 से 21 होती है, अवेयरनेस का जो लेवल कंट्री में है वो आप सबको पता है। इंडिया जो है सिर्फ और उसमें किसी को सजा भी नहीं होती, जस्टिस को मिलता भी नहीं है, सजा भी नहीं होती किसी को भी, सफर करता है सिर्फ स्टूडेंट करता है। इसलिए जो एसएससी के ट्रांसपेरेंसी के जो इशू है मैं बोल रहा हूँ।